आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। कराची एक ऐसा शहर है जो एक माँ की तरह हर इंसान को अपने दामन में जगह देता है। यही वजह है कि दूसरे शहरों से बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं और फिर इसी के होकर रह जाते हैं और अपना जरिया माश मुख्तलिफ कामों से जोड़कर रोजगार कमाते हैं। लेकिन होने ये लगा है कि इन्हीं अफराद में कुछ ऐसे जराइम पेशा अनासर भी शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपनी मशकूक हरकतों से कई खशरात को हवा दी। शहर में चोरी, डकैती और मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में इजाफा होने लगा और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि बेगुनाह शहरियों से उनकी जिंदगी भी छीनी जाने लगी और इसकी बेशुमार मिसालें शाहरुख उसामा जैसे मासूम बेगुनाह शहरियों के कत्ल की सूरत में मौजूद हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए शहरियों के जानो माल को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन ने एक अहम फैसला करते हुए पुलिस और CPLC के तावन से पाबंदी आयद की कि अब कोई भी गैर मकामी फर्द सेकेंड हैंड मोबाइल फोन फरोख्त नहीं कर सकेगा। इस मकसद के लिए कराची का शनाख्ती कार्ड होना लाजमी करार दिया गया। तस्दीक के बगैर कोई भी दुकानदार मोबाइल फोन नहीं खरीदेगा और जो कोई खिलाफ वर्जी करेगा उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। शहर में बढ़ती जराइम की वारदातों ने जहां शहरियों की जिंदगी अजाब कर रखी है वहीं पुलिस से लेकर दीगर इदारों की नींदें भी उड़ा दी हैं। ज्यादातर लोगों से उनके मोबाइल फोन छीनने के वाकयात रिपोर्ट हुए जिनमें अक्सर शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन ने पुलिस और CPLC के तावुन से एक अहम कदम उठाया जिसके मुताबिक अब कराची के अफराद ही सेकेंड हैंड मोबाइल फोन फरोख्त कर सकेंगे और उसके लिए उनका शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। इस हवाले से हमने सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रजवान इरफान से उनका मौकफ जाना कि ज्यादातर लोग मोबाइल फोन छीनने की शिकायत का इंदराज ही नहीं कराते। लोग कंप्लेन नहीं करते, कंप्लेन बेसिकली कंप्लेन है क्योंकि हमारा डेटाबेस जो है वो CPLC है, हम उससे कंफर्म करते हैं आया ये मोबाइल चोरी का या छीना हुआ। नई SOPs के नफास और सेकेंड हैंड मोबाइल फोन की फरोख्त पर दुकानदारों ने भी ये कहा कि कराची का एड्रेस होना चाहिए, अगर कराची का एड्रेस नहीं होगा तो फिर हम वो मोबाइल परचेज नहीं करेंगे। कराची के CNIC पे लगने से ये है ना कि हम कम से कम अगर हमारे पे कोई अगर इस तरह की बात आती है तो हम उस बंदे तक कम से कम पहुंच तो सकते हैं। जो बंदा आएगा हम उसका फेस भी देखेंगे, उसका NIC भी चेक करेंगे। हम खुद CPLC चेक करवाते हैं, जमा हो जाते हैं, चोरी के होते हैं, फिर उनको गवर्नर हाउस में जिनका होता है, जिन्होंने क्लेम करवाया होता है, हम उन्हें ही देते हैं। इस नए फैसले ने ये उम्मीद जगाई है कि शायद अब शहर में जराइम की वारदातें कुछ कम हो सकें और शहरी सुकून का सांस ले सकें। इस नए फैसले और कवायद और जवाबित ने एक उम्मीद जगाई है कि अब चोरी, डकैती और मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में कमी आएगी और शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। इस नए फैसले ने दुकानदारों को भी पाबंद बना दिया है कि वो किसी भी शख्स का शनाख्ती कार्ड देखे बगैर किसी भी किस्म का सेकेंड हैंड मोबाइल फोन नहीं खरीद सकते। मुतालिका फर्द का कराची का शहरी होना जरूरी है, इस फैसले से यकीनन जराइम पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकेगा। स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं तो सबसे पहला जो क्रिमिनल्स का हदफ होता है वो मोबाइल फ़ोन होता है, फिर उसके बाद बाइक होती है, फिर जो भी नकदी जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो जो है वो छीनी जाती है। लेकिन ये जो मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं ये जाते कहाँ हैं, सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है। अगर मैं अदादोशुमार की बात करूँ कि जनवरी, फरवरी और ये मार्च का मिड है तो इसमें कितने मोबाइल फ़ोन छीन चुके हैं तो अदादोशुमार यकीनन सही नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप भी अपने हल्का अहबाब में देखें या आपके जो भी जानने वाले हैं जब भी किसी के साथ इस तरह का कोई नाखुशगवार वाकया होता है तो लोग अवॉइड करते हैं कि हम इस चीज़ की कंप्लेन करें। दुनिया भर में कानून बनाए जाते हैं लोगों के सुकून के लिए, लोगों की आसानी के लिए, लोगों के मफाद के लिए, लोगों को जो है वो बेहतरीन सर्विसेज दी जा सके इसलिए। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से लोग अगर किसी चीज़ की कंप्लेन करते हैं या FIR का इंदराज कराते हैं या शिकायत दर्ज करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम खुद मुसीबत में पड़ जाएंगे, बार बार थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे और तमाम जो SOPs फॉलो करनी पड़ेंगी, जो तमाम रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे उससे हम खुद मसले में आ जाएंगे, तो लोग इस चीज़ की शिकायत का इंदराज नहीं करवाते।
अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में कितनी सेलुलर कंपनीज हैं तो 5 बड़ी कंपनीज हैं और कराची की अगर बात की जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 125 फ्रेंचाइज यहां पर मौजूद हैं और यहां पर डेली की बुनियाद पर जो कॉल्स रिसीव होती हैं उनमें ऐसे अफराद की कॉल्स या ऐसे अफराद का उनकी फ्रेंचाइज पे आना जो सिम रिप्लेसमेंट का कहते हैं या डुप्लीकेट सिम निकलवाते हैं, उसमें से 30% लोग वो होते हैं जिनकी किसी वजह से सिम टूट गई होती है, घूम गई होती है या कोई और वजह होती है। 70% लोग वो होते हैं जिनका मोबाइल चोरी हो चुका होता है। अब जैसे केडा ने नई SOPs जारी की है जिसके मुताबिक कराची का शनाख्ती कार्ड होना उस शख्स के लिए लाजमी है जो भी मोबाइल फ़ोन फरोख करने आता है। इस हवाले से दुकानदारों का क्या कहना है, पब्लिक का क्या कहना है, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। केडा ने नई SOPs जारी की है जिसके मुताबिक जो भी शख्स यहाँ पे मोबाइल फोन फरोख करने आता है उसके पास कराची का शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है, क्या कहेंगे? कराची का उसके पास शनाख्ती कार्ड लाजमी है जिसमें कराची का एड्रेस हो, और अगर डब्बा जैसे कि नया पीस है, जैसे कि डब्बा खुला हुआ है, ओपन है, तो हम लोग NIC की कॉपी उससे लेते हैं लाजमी, और कराची का एड्रेस होना चाहिए। और यूज़ में ये है कि जिसका बॉक्स नहीं होता तो उससे तो हम पहले से ही NIC की कॉपी लेते ही है, लेकिन अब ये हो गया है कि सख्ती के साथ हमारे को बोल दिया गया है कि कराची का एड्रेस होना चाहिए। अगर कराची का एड्रेस नहीं होगा तो फिर हम वो मोबाइल परचेज़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और अगर कराची का अगर एड्रेस है तो पहले हम मैंने अपनी यूनियन से CPLC वेरीफाई करवाए गए, IMEI नंबर हम लोग NIC के ऊपर पूरी तरीके से लिखते हैं, इसके बाद फिर CPLC लेते हैं, CPLC में फिर हम लोग ऑपरेटर जो नंबर होता है वो लेते हैं, वो मेंशन करते हैं उसके ऊपर, इसके बाद वो मोबाइल हम काउंटर में रख के बेच सकते हैं। यहाँ पे इतने होशियार लोग हैं जो कि IMEI नंबर जो है वो चेंज कर देते हैं। दूसरा, ऑनलाइन भी जो है वो फ़ोन की खरीदो फरोख जारी होती है, उसमें लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। लोग यकीनन जो आपके पास आते होंगे वो ये कहते होंगे कि जी ये फ़ोन तो मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। देखिए, हमारे यहाँ पे है ना यूनियन बनी हुई है, यूनियन उसका साथ जब देगी जब दुकानदार राइट हो। अगर दुकानदार कोई भी किस्म से रॉन्ग होगा, अगर उसमें लगेगा कि भाई इसने फॉर्मेलिटीज़ अपनी पूरी नहीं की है या वो कोई काम कर रहा है वो गैरकानूनी है, तो यूनियन उसका साथ कभी भी नहीं देगी। फिर आप पुलिस वाला है कोई भी है उसको डायरेक्ट उठा के ले जा सकता है। उन्होंने आपको पाबंद किया? हमारे को पाबंद है, हमारे को कोई भी मैसेज आते हैं ना वो हमारे रिजवान साहब है मैसेज चलाते हैं, उसको फॉलो करते हैं हम, और उसी के हिसाब से फिर हम लोग परचेजिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी लॉक हो गया था, बच्चे ने लगा दिया या पासवर्ड भूल गए, लगा दिया था आगे, तो इसकी ये फॉर्मेलिटी सॉफ्टवेयर वाले फ्लैश करके वो पासवर्ड खोल के देते हैं, बट उससे भी NIC कॉपी ली जाती है, NIC की कॉपी उससे भी ली जाएगी। अच्छा, और बाद दफ़ा तो अब तो ऐसा हो गया है कि मतलब वारंटी में ऑनलाइन वारंटी हो गई है तो सॉफ्टवेयर वारंटी फ्री होती है, तो हर कोई बंदा अगर ऐसा कोई मसला होता है तो कंपनी से जाके खुलवाता है, और अगर लोकल किसी को खुलवाना होता है तो अगर वो सॉफ्टवेयर करते हैं ना दुकानदार तो वो फोटोकॉपी उसकी लाजमी लेते हैं। अच्छा, जैसे लोगों के मोबाइल स्नैच हो जाते हैं तो वो यकीनन उन लोगों ने ऐप्स भी डाउनलोड की हुई होती हैं, उसके अलावा और दीगर चीज़ें होती हैं, तो जब आप सॉफ्टवेयर रिफ्रेश कर रहे होते हैं या खोल रहे होते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की मैसेजेस आते हैं या आपको पता चलता है कि आया ये जो शख्स है, या अक्सर ऐसा होता है कि जब आप खोलते हैं उसमें एक नंबर ब्लिंक कर रहा होता है जिस पर आपको रब्ता करना होता है, तो इस तरह की फॉर्मेलिटीज की जाती है? ऐसा इसके अंदर में कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपका नंबर ब्लिंक करे। आपका फ़ोन अगर स्नैच हो गया है और उसके अंदर में अगर आपका कोई डेटा वगैरह है, और अगर वो बंदा NIC कॉपी देने के बाद भी अगर वो सॉफ्टवेयर करवा रहा है तो आपका डेटा तो पहली फुर्सत में चले जाएगा, और दूसरी बात कि वो वाला फ़ोन CPLC ब्लॉक हो जाता है। जाहिर सी बात है, किसी का भी स्नैच होता है तो CPLC तो ब्लॉक कराता है, ब्लॉक करवाता है तो वो वैसे ही बंद हो जाता है, सिम डालेगा वो ट्रेसिंग हो जाएगा। इससे पहले नॉर्मली ये प्रैक्टिस थी कि लोग आते थे जिनके पास कराची का शनाख्ती कार्ड नहीं था वो वो बेच जाते थे कभी कभी, जैसे कि हम लोग देखते थे बंदे को, वैसे तो पूरी फॉर्मेलिटीज होती थी, कभी कोई कोई दुकानदार ऐसा करता था कि वो परचेस कर लेता था, लेकिन इसके बाद वो बिल्कुल अब तो सख्ती से मना हो गया है। तो अब जिसके पास कराची का एड्रेस होगा ना उसी का मोबाइल हम परचेस करेंगे, और बाद सैंदुनी सिंध वगैरह का होगा तो हम वो परचेज नहीं करेंगे। नाज़रीन, एक और शॉपकीपर हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, केडा ने नई SOPs जारी की है जिसके मुताबिक जिस शख्स के पास जो है वो शनाख्ती कार्ड नहीं है कराची का वो मोबाइल नहीं बेच सकता। बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि काफ़ी बार हमारे साथ ये इशू होता था कि हम अगर किसी से मोबाइल लेते थे और उसका अगर CNSE कराची से बाहर का होता था, और अगर बाद में उसका CPLC कुछ आ जाता था, भाई जिस तरह की कोई चोरी का हो जाए या कोई भी इशू हो जाए, तो वो हमारे पैसे जो हमने इन्वेस्ट किए होते थे वो हमें नुकसान हो जाता था। अब कराची के CNSE पे लगने से ये है ना कि हम कम से कम अगर हमारे पे कोई अगर इस तरह की बात आती है तो हम उस बंदे तक कम से कम पहुंच तो सकते हैं, और ये बहुत अच्छा फैसला किया है केडा की जाने से हमारे रिजवान साहब ने। अच्छा, इससे पहले भी वक्तन फवक्तन SOPs जारी होती रही हैं, उस हवाले से कुछ बताएंगे आप? देखें, जैसे ही मॉडर्न टाइम आता गया है ना उसी के साथ साथ हमारे जो हमारे सदर साहब हैं उन्होंने SOPs जारी किए हैं। जैसे पिछले दिनों iPhone के बहुत इशूज़ आ रहे थे, ठीक है, कि iPhone बहुत सारे चोरी के निकल रहे थे, तो फिर ये है कि फिर जब ये CNSE का इशू आया ना जब से, तो इसके बाद से हमें कोई तकलीफ नहीं पेश आ रही। डेफिनेटली जिद्दत तो बहुत है, लोग IMEI नंबर भी चेंज करा लेते हैं,
और जो है वो तमाम चीजें चेंज हो जाती है, मोबाइल बिल्कुल एकदम से ऐसा हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है कि लाइक पता ही नहीं चलता ये चोरी का मोबाइल है। जब से ये पीटीए की बात आई है ना, तो उसके बाद से ना अभी जो भी मोबाइल फोन जो वो सेल करने आते हैं ना कस्टमर, हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आपने हमें इसके साथ बॉक्स देना है, क्योंकि अभी 90% दुकानदार जो है, बाकी होंगे कुछ 10% होंगे, लेकिन जो 90% है ना वो बॉक्स के बिना मोबाइल लेते ही नहीं। तो जब बॉक्स हमारे साथ होगा तो फिर तो आईएमए का कोई बिल्कुल वो ही नहीं होगा, इशू ही नहीं होगा। लोग नॉर्मली बॉक्स संभाल के रखते भी नहीं? नहीं नहीं, लोग रखते हैं, क्योंकि अभी जब मार्केट में आते हैं वो हमें कहते हैं कि हमें सेल करना है, जब हम उनको कहते हैं बॉक्स है तो वो कहते हैं नहीं है, तो हम डायरेक्ट कह देते हैं कि अब हमें ये परचेज नहीं करना, तो अब वो समझदार हो गए। अच्छा, ऐसी कोई हिदायत है कि अगर कोई शख्स आ रहा हो जिस पे आपको डाउट हो कि ये चोरी का मोबाइल है, तो फिर आप लोग क्या करते हैं सबसे पहले? भाई सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हम सीपीएलसी चेक करवाते हैं, ठीक है, अगर उसके सीपीएलसी में कुछ इशू निकलता है। सीपीएलसी इशू ये होता है कि सीपीएलसी के तरीकेकार हम अपने यूनियन में जाते हैं, सदर साहब के पास जाते हैं, वहाँ पे उनके पास सेटअप है, वो जब चेक करते हैं, जब वहाँ से क्लियर होते हैं तो ठीक है, जब नहीं क्लियर होते तो हम बंदे को लेके सदर साहब के पास बिठा देते हैं। ऐसे हुए हैं कुछ वाकयात, तो लोग पकड़े भी गए? जी जी, ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं, काफ़ी दुकानदारों के साथ हुए हैं, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हमारे सदर साहब हमें इस मामले में सपोर्ट करते हैं, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें भी हमारे कुछ ना कुछ साथ दे देते हैं। लोग मोबाइल खरीदते हैं, बेचते हैं ऑनलाइन जी, और फिर वो बाद में वो इस चीज़ का करते हैं कि हमारे पास वो डब्बा भी नहीं, हमने तो ऑनलाइन खरीदा था, हमें नहीं पता था ये चोरी का है। समटाइम ऐसा भी होता है, तो उसमें ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट्स काम कर रही हैं वो डायरेक्ट कंपनी के साथ लिंक है, ठीक है, और जो कंपनी के साथ लिंक है कंपनी विदाउट बॉक्स काम नहीं है। ऑनलाइन उन वेबसाइट्स की बात कर रही हूँ जो बेसिकली जिनका ये काम नहीं है, जिन पे हर चीज जो है वो बिक जाती है। वगैरह में भी ना जो किटे वगैरह मिलती है ना वो अक्सर कस्टमर वहाँ से लेते हैं, फिर मार्केट में सेल आउट नहीं करते। और दूसरी बात ये कि वो जब से भी जो डीलिंग होती है तो उसका भी सीपीएलसी चेक किया जाता है, उसके बाद वो लिया जाता है। जिससे बस जो एनएससी नहीं होता, हम लोग उससे मोबाइल नहीं लेते हैं। एनएससी के बगैर मोबाइल लेते हैं तो वो चोरी का भी होता है, इस वजह से एनएससी ज़रूरी लेते हैं। एसओपीस के बाद आपने देखा लोग आते हैं, आपने वापस लौटाए लोग के नहीं हम नहीं ले सकते? नहीं, लेकिन जिससे चेक किया ना उनके मोबाइल चोरी के भी निकलते हैं, तो हम यूनियन में हमारे जमा हो जाते हैं, हम खुद सीपीएलसी चेक करवाते हैं, जमा हो जाते हैं, चोरी के होते हैं, फिर उनको गवर्नर हाउस में जिनका होता है, जिन्होंने क्लेम करवाया होता है, हम उन्हें ही देते हैं। और जो लोग पकड़े जाते हैं उसमें, उसको हम लोग उसका मोबाइल लेके भेज देते हैं यूनियन में। तो अक्सर ऐसा हुआ कि उसने ये कहा कि मैंने तो फलां से खरीदा है, या वो वाकई में ऐसा लगता है कि वो वाकई चोरी का मोबाइल होता है? वो चोरी का मोबाइल होता है, वो इसे बोलते हैं कि हमें दो ये वो, लेकिन यूनियन में उनको मोबाइल नहीं दिया जाता है। एसओपी से पहले भी मुख्तलिफ एसओपी जारी होती रही है, वो क्या क्या थी? ये इस वजह से किया हुआ है क्योंकि इससे पहले बहुत सारे चोरी के मोबाइल आते थे तो मार्केट में ऐसे ही पता चल जाता, इस वजह से अब एनएससी लेना जरूरी हो गया। जो चोरी के मोबाइल बेचने आते हैं नॉर्मली वो कहते क्या है और किस तरीके से अपना मोबाइल बेच रहे होते हैं? वो बोलते हैं ये हमारा मोबाइल है, ये सेल करना है, डब्बा हमारा घूम गया है, ये वो एनएससी मिल जाएगा। तो फिर एनएससी, इनको पता नहीं होता कि हम सीपीएलसी चेक करते हैं, जब सीपीएलसी चेक होता है ना फिर मोबाइल पकड़ा जाता है, फिर ये बोलते हैं हमने वहाँ से लिया है, डब्बा घूम गया है, ये वो, फिर लेकिन मोबाइल नहीं देते हम। अब आपको लगता है कि इससे जो है वो जराइम में काफ़ी कमी आएगी, एटलीस्ट जो चोरी करें मोबाइल होंगे वो मार्केट का रुख नहीं करेंगे? जी, इस वजह से अब तक इतने सारे आते रहते हैं, लेकिन कोई कोई जो होशियार होते हैं वो खोल के भी बेच सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मार्केट में बेचने के अलावा वो क्या करते हैं, मोबाइल को कैसे खोल लेते हैं, क्या उनके पास खुद सॉफ्टवेयर होते हैं या क्या तरीकेकार होता है? रिपेयरिंग वालों के पास भेज देते हैं, फिर रिपेयरिंग वालों के पास जैसे कोई मोबाइल बनने आता है तो उसका पैनल लगा के उसमें डाल देते हैं, कैमरा लगा के उसमें डाल देते हैं, ऐसे पैसे मिल जाते हैं, वो उसमें भेज देते हैं। वैसे जो जिनको पता होता है कि सीपीएलसी चेक होगा वो बेचने नहीं आता है, जिनको नहीं पता होता है ना कि सीपीएलसी ये चेक नहीं करेंगे वो पकड़ा जाता है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में हम चेक कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि जो केडा की नई एसओपीज आई हैं उस हवाले से जो है वो तमाम जितने भी दुकानदार हैं उन सबका कहना है कि हम उन एसओपीज पे सख्ती से अमल दरामद करें और इससे जो है वो मुस्बत नतज यकीनन आएंगे। अभी हम एक और शॉप में मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा, नॉर्मली लोग जो है जब उनका मोबाइल चोरी हो जाता है तो रिपोर्ट नहीं करवाते, तो कोई आसान सा तरीका बताएं कि क्या तरीके का है सीपीएलसी कॉल करके जो है वो आपने अपने मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट करवानी? क्योंकि देखिए, जब मोबाइल चोरी होते हैं सबसे पहले सिम जो है वो ब्लॉक कराने के लिए ज़रूर जो है वो सेलुलर कंपनीज कॉल की जाती है, लेकिन मोबाइल का आईएमईआई नंबर और इस चीज़ के लिए लोग जो है वो एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उनके जहनों में ये ख्याल होता है कि अब जो मोबाइल चोरी हो गया शायद वो मिलेगा ही नहीं। ये इस वजह से नहीं लेते मैडम कि मोबाइल वगैरह जो आईएमईआई होता है ना वो डब्बे वाले पीस का होता है, किट वगैरह का आईएमईआई नहीं होता,
डब्बे वाला पीस होता है, इनका ऑफिस बना हुआ है तीन तलवार पे, सीपीएलसी ऑफिस भी बना हुआ है और सीपीएलसी का नंबर भी होता है, वहाँ पे आप कंप्लेन कर देंगे तो सीपीएलसी से आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा। और इसके अलावा एक इनका ऑफिस बना हुआ है तीन तलवार पे, वहाँ पे इनकी कंप्लेन करेंगे तो मोबाइल आपको रिकवर करके भी दे रहे हैं। नहीं SOBs के हवाले से क्या कहेंगे जो नहीं कैडा की नहीं SOBs आई हैं? जिनके पास कराची का शनाती कार्ड नहीं होता उनसे मोबाइल परचेज ही नहीं करते, क्योंकि ये सब रूल आया हुआ है। हमें यूनियन ने भी बोला हुआ है कि जिसके पास अगर कराची का एड्रेस ना हो, NIC ना हो, तो उनसे मोबाइल परचेज नहीं करेंगे। ये तो देखें SOBs अभी आई हैं, इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले भी हम खुद एहतियात करते थे, एहतियात तो हमारी खुद की अपनी होती है। पहले एक दफ़ा सीन ऐसे हुए भी हैं कि मोबाइल बंदे ने ले लिए, NIC कहीं और जगह था, कहीं और जगह का था तो एड्रेस कहीं और का था और मोबाइल हम लोग यहाँ से लिया। CPLC हुए हैं, वो ब्लॉक हुए हैं, क्योंकि रोज़ाना देखिए इतनी तादाद में कस्टमर आते हैं, उनको डील करना होता है, कुछ किसी के चेहरे पर नहीं लिखा हुआ कि मैं चोर हूँ। अगर हम लोग लेते भी हैं ना बिल्कुल, अगर कराची का NIC भी होता है तो हम वैसे नहीं लेते, पहले CPLC कॉल करते हैं। CPLC कॉल करने के बाद फिर हम उनसे पूछते हैं कि भाई अगर CPLC है, ब्लॉक है कि नहीं है, अगर वो क्लियर होता है CPLC तो फिर ही हम लेते हैं, ताकि हमारे पास एक प्रूफ होता है ना। जो लोग यूज मोबाइल बेचने आते हैं वो नॉर्मली कहते क्या है? जो ओरिजिनल आदमी होता है उसके पास वो बॉक्स भी होगा और वो अपना NIC भी देगा, लेकिन अब जो हमारी यूनियन है उन्होंने बोला है अगर आपके पास NIC कराची का होगा तो आप सेट खरीदेंगे, अगर NIC कराची का नहीं मे बी मीरपुर का होगा तो हम वो सेट नहीं खरीदेंगे। सही, अगर कोई शख्स ऐसा करता है कि भी कह देता है ये मेरे भाई का शनाख्ती कार्ड है लेकिन मैं बेचने आया हूँ, वो यहाँ नहीं है, ये इसका कराची वाला ये रख लो, ऐसा कैसे कर लेंगे? मतलब मैं तो अगर एक सेट खरीद रहा हूँ, अच्छा उसी शख्स का शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है, आप बेचने आए हैं तो मैं आपका, आप मैडम है या आप कुछ भी हैं, जो बंदा आएगा हम उसका फेस भी देखेंगे, उसका NIC भी चेक करेंगे, उसके बाद हम उसका मोबाइल ख़रीदने जाएंगे, उसको CPLC चेक करेंगे, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं चोरी के बहुत से एक मिनट में छीन लेते हैं। नहीं भाई वो कुछ भी नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं देख रहे, क्योंकि उसके पास पिस्टल है, वो पिस्टल दिखाता है हर चीज़ छीन लेता है, पिस्टल ली है उसको किराया अदा करना है, उसने लाइन से पूरी पट्टी को लूटना है और मजामत करने पे मार देना है। अब उसने 15 मोबाइल छीने हैं, उसमें से 14, 13 या 12 ऐसे ही वो वाईफाई पे चला रहे हैं, तो वहाँ 500-1000 रुपये में बिक गया उनका। अब नशे ही ने तो अपना वो पाउडर लेना है ना, उसको तो पाउडर उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे हैं, 500 या 1000 या 2000 या 4000, लेकिन नॉर्मल जो हम जैसे दुकानदार बैठे हैं जिन्होंने रेंट देना है या जिनकी दुकानें अपनी हैं, वो कैसे इतना बड़ा, जब हमें यूनियन ने बोल दिया हमारे पीछे किसने आना है, अगर मैं चोरी का मोबाइल ले लूँगा तो फिर आई एम सपोज टू पे, वो बंदा पकड़ा जाएगा, कल को किसी बंदे से मैंने चोरी का मोबाइल लिया हुआ है वो कहेगा इससे हज साहब से भी मैंने लिया था तो मैं क्या करूंगा। लेकिन यकीनन ये मोबाइल कहीं ना कहीं तो जाते होंगे, कहीं ना कहीं तो बिकते होंगे, कुछ ना कुछ तो इनका होता होगा, यहाँ से स्मगल हो जाते हैं। अब ये तो बड़ा आसान वे है ना, यहाँ से आप 100 मोबाइल ले जाएं ईरान। जो पुराने मोबाइल लोग फरोख के लिए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हर बंदा चोर है, डेफिनेटली जेन्युइन जो लोग होते हैं वो भी आते हैं, उनको पुराना मोबाइल बेच के नया लेना होता है या कोई भी मसला मसाइल है, चेक किस तरीके से किया जाता है? पहले तो ये देखा जाता है कि ये कराची का NIC है कि नहीं है, सही है। दूसरी बात, हमारे चेयरमैन है उमर आरिफ, वो फिर CPLC कंफर्मेशन चेक करते हैं कि CPLC क्लियर हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, अगर क्लियर हुआ हुआ होता है तो हम काउंटर नंबर लिख लेते हैं कि भाई काउंटर नंबर क्या है, 31 या 32, और इसका पूरा डेटा ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर और जो जो इसकी फॉर्मेलिटी जो पर्चा दिया गया है यूनियन की तरफ से वो, और अगर इन केस ऐसा कुछ आता है कि चोरी का होता है वो, तो ये हमारी यूनियन में जमा हो जाता है वो। सही, और जो शख्स वो बेचने आया हुआ होता है उसको फिर हाथों हाथ क्रेडिट में जमा, जो हमारी यूनियन कहेगी फिर वो होता है, फिर हाथों हाथ उस बंदे को क्रेडिट में जमा करो। सही, तो इस तरह के कोई वाकयात हुए तो उनका अगर आप जिक्र करना चाहें? लास्ट टाइम हुए थे तो उन्होंने, उमर आरिफ है हमारे चेयरमैन, उन्होंने फिर उस बंदे को हाथों हाथ करवाया और जो जो जिन जिन के मोबाइल थे फिर जमा करके फिर जिन जिन के थे उनको वापसी मिल गई। सही, खवातीन भी आती हैं इस तरीके से? खवातीन भी आती हैं, तो उनमें भी ऐसा हुआ है कि जिनका सब में होता है, बच्चे भी आते हैं लास्ट टाइम तो जिनकी NIC नहीं बने हुए होते, बेफार्म के ऊपर आते हैं तो उनको हम कतई बना कर देते हैं। पहले तो PTA ने भी बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ था, पर अब ये चीज़ नहीं है कि IMEI नंबर PTA के ऊपर डालते थे ना तो उसमें लिखा हुआ जाता है स्टॉलिंग, तो हमें अंदाजा हो जाता कि ये चोरी का है, हम हाथों हाथ लेके चले जाते थे। अब ये PTA ने थोड़ा तरीके का चेंज किया है तो इस वजह से फिर अब जो भी है, उमर भाई खुद CPLC से कंफर्मेशन करते हैं और उसके बाद हमें बताते हैं। बाहर ही जो मार्केट में, मार्केट से बाहर जो मोबाइल बिक रहे होते हैं, लोग खरीद रहे होते हैं, वो कैसे कंफर्मेशन कर सकते हैं? वो तो सिर्फ PTA की वेबसाइट के ऊपर PTA चेक करते हैं और इसके अलावा ले लेते हैं, आम बंदा इस चीज़ के ऊपर कन्फर्मेशन नहीं। आपको अगर CPLC फ़ोन करके पूछना हो तो आप बेशक पूछ सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, आप आपका NIC नंबर लेगा, नंबर वगैरह लेगा और सब चीज़ें बता देगा। पहले तो ये था कि ऑल ओवर हम कोई भी हैदराबाद का, मीरपुर खास का, कहीं का भी ले सकते थे,
पर अभी हमारी तरफ से बिल्कुल सख्त हो गया है इस चीज़ के ऊपर कि भाई अब जो होगा कराची का लो, क्योंकि बाद में फिर हमारे लिए मसले बन जाते हैं ना कि जब यूनियन एक चीज़ हमें बोल रही है, हमें हर चीज़ सपोर्ट कर रही है कि आप कराची का लो और हम फिर किसी और चीज़ कर लेते हैं, तो बिजाहिर है अल्लाह ना करे कल को कुछ होता है तो हमारे ऊपर बुराई है, इनके ऊपर तो बाद में पहले हमारे ऊपर बड़ी बुराई है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपने आप को सेफ और सिक्योर रखें। मुख्तलिफ शहरों से लोग कारोबार करने यहाँ पे आए हुए, मुख्तलिफ शहरों से लोग नौकरियाँ करने आए हुए, लोगों का जरिया माश कराची है, कराची ने सबको बना दी हुई है। अभी जो नई एसओपी जारी हुई है, शनाख्ती कार्ड चेक किया जाएगा कि कराची का होगा तो ही मोबाइल खरीदा जाएगा, लेकिन समटाइम इससे जो जो जेन्युइन खरीदार हैं उनको भी इसकी वजह से परेशानी हो सकती है, कोई दूसरे शहर से आया मजबूरन अपना मोबाइल बेच रहा है या किसी के साथ कोई मजबूरी है और उसका शनाख्ती कार्ड यहाँ का नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में वो क्या करेगा? ये बहुत अच्छा एकदम है, जिस तरह पंजाब से आपने बात की, अंदरून सिंध से आपने बात की, लोग आते हैं तो उनको ये बेनिफिट है कि यार अगर आपके साथ कोई बंदा है बेचने वाला, आपका कोई रिलेटिव है, कोई यहाँ रहता है या आप कहीं काम करते हैं, उसका प्रूफ हमें दें तो हम आपसे फ़ोन ले लेंगे। ये बहुत अच्छा एकदम है, उसकी वजह ये है कि छोटे मोटे दुकानदार हैं बेचारे 1,500, 2,000, 3,000, 5,000 एक फ़ोन पर कमाते हैं। कुछ फ़ोन जैसे होते हैं हम लेते हैं ट्रेस पर लगे होते हैं, आईमी ब्लॉक होता है, तो उसकी सूरत में ये हमारे पास एक पुलिस की तरफ से एक SOPs जारी की गई हैं कि आप कराची का NIC लें, फॉर्मेलिटी अपनी पूरी रखें तो दुकानदार को कोई कंप्लेन, कोई इशू, कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। हमारी यूनियन की तरफ से हमारे सदर रिजवान साहब हैं, वो जाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है बाकायदा इन फोन्स की, तो लोगों को रिफंड किए जाते हैं फोन। बहुत अच्छा एकदम है। लोगों का क्या फीडबैक होता है, क्योंकि नॉर्मली लोग तो ये समझते हैं जो चीज़ चली गई सो चली गई, नहीं मिलनी, अक्सर का सबका गया है, यहाँ तक के लोग वर्ड यूज़ करते हैं। अक्सर हमारे पास इस तरह का होता है कि चोरी के फोन बिकने आते हैं, अभी आपके सामने कोई शॉपकीपर नहीं आया, नहीं तो अभी आ जाएगा वेरीफाई कराना, चोरी का होगा हम रख लेंगे, वो शोर करते हैं यहाँ पे कि हमने पैसे दे के खरीदा है। ये मार्केट में नहीं मिलेंगे फ़ोन आपको, ये फ़ोन आपको दूसरे तीसरे बंदे से मिलेंगे, आपने किसी दोस्त से ख़रीद लिया, किसी चलते फिरते से ले लिया, वो मार्केट में बेचने आता है कि उसको पैसों की नीड है तो वो फ़ोन हम तक पहुँचता है। मार्केट में आप कहें कि आपको कोई चोरी का फ़ोन दे दे, ऐसा नहीं है। नॉर्मली जो लोग आते हैं जिनका मोबाइल लॉक हो जाता है, बच्चे लॉक कर देते हैं किसी वजह से लॉक हो जाता है, या फिर वो चोरी का भी हो सकता है, आप कैसे वेरीफाई करते हैं, क्या सवाल आप पूछते हैं? हम उसके अंदर जो है पहले सबसे पहले तो कस्टमर से पूछते हैं कि भाई ये आपने कहाँ से लिया है, अगर वो कहता है कि मेरे बच्चे ने लॉक कर दिया है या इसमें कोई इशू आ गया है इस वजह से ये लॉक हो गया है, तो हम इससे पहले पासवर्ड कंफर्म करते हैं कि भाई आपको ये तो इतना तो याद होगा कि इसके अंदर आखिरी का पासवर्ड क्या है या शुरू का क्या है, उसमें पहले हम ट्राई करते हैं, हमें कन्फर्मेशन होती है कि हाँ यार ये लगता है कि बच्चे ने लगा दिया है, तो फिर हम उससे NIC की कॉपी मांगते हैं, उसको वेरीफिकेशन करते हैं CPLC से, अगर वो वहाँ से क्लियर होता है इसके बाद हम उसका सॉफ्टवेयर करते हैं। अदरवाइज़ अगर वो कहता है कि मेरे पास NIC नहीं है या मुझे इसका कोड याद नहीं है, तो फिर हम उसको CPLC में जमा करवाते हैं फीस को और उससे कहते हैं कि भाई आप वहाँ से क्लियरेशन लाएँ, इसके बाद इसको हम अनलॉक करेंगे। अभी जो SOPs जारी की गई हैं, अब हमने पूरा मार्केट सर्वे किया तो हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि ये अभी की नहीं है, ये एक साल पुरानी है। बिल्कुल, एक साल पहले भी यही था कि कराची का शनाख्ती कार्ड होना चाहिए इस चीज़ से आप, लेकिन अगर हम बात करें अब जनवरी से लेके अब तक की, तो कितना तादाद मोबाइल छिन चुके हैं, हम SOPs भी बना देते हैं ताकि आवाम को इससे रिलीफ मिल सके, लेकिन फिर आखिर वो छीने गए मोबाइल सवाल ही पैदा होता है जाते कहाँ? कोई कस्टमर आता है हमारे पास कि भाई ये हमें बेचना है, हमारा सबसे पहले सवाल ये होता है कि आपके पास ये ओरिजिनल NIC है? अगर वो कहता है कि हाँ है, तो हम उससे सवाल करते हैं कि भाई कहाँ का है, कराची का है या कराची से बाहर का? अभी मेरे पास कल की एक कस्टमर आए हुए थे, उन्होंने मुझे कहा मेरे पास बलूचिस्तान का है, मैंने कहा मैं परचेज़ नहीं कर सकता, उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते, पाकिस्तानी NIC है, मैंने कहा भाई हमारे पास SOPs का ख्याल करने के लिए हमें ऑर्डर दिया गया है, हम इस पर फॉलो करते हैं, अगर आपको बेचना है आप हमारे चेयरमैन साहब के पास जाएँ, पहले वहाँ से कन्फर्म करेंगे हमें, वहाँ से कंफर्म होने के बाद हम CPLC कंफर्म करेंगे, अगर वो हमें इजाज़त देंगे कि हाँ भाई आप ले सकते हैं तो हम परचेज़ करते हैं, वरना हम अदरवाइज नहीं करते उसको परचेज़। ऐसा ख़वातीन वगैरह भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं जो आते हैं, अक्सर ऐसे केसेस भी होते होंगे जो पकड़े भी जाते हैं, वो चोरी का मोबाइल होता है, उस हवाले से कुछ बताएंगे? ख़वातीन अगर आती भी हैं तो हम ख़वातीन से भी SOPs के हवाले से उसी तरीके से डील करते हैं जिस तरह मर्द हजार से करा जाता है, क्योंकि देखें अगर ख़वातीन आ रही हैं उनका एहतराम है, लेकिन कहने का मकसद है SOPs का भी एहतराम हमें लाजमी करना है। बच्चे वगैरह मोबाइल बेचने जाते थे, वो अपना बेफॉर्म दिखाकर जो है वो मोबाइल बेच दिया गया? ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कोई बच्चा अगर आता भी है तो हम उससे उनके वालिद से कंफर्म करते हैं पहले फ़ोन करके, उनके वालिद कहते हैं कि हाँ भाई मैंने भेजा हुआ इनको, तो उनके वालिद का ओरिजिनल NIC हम मंगवाते हैं, ओरिजिनल NIC अगर बच्चा ले कर आ गया तो हम उससे वेरिफिकेशन करने के बाद परचेज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। जो लोग बाहर से खरीदारी कर लेते हैं अक्सर मुख्तलिफ वेबसाइट्स के थ्रू कर लेते हैं यूज मोबाइल, उनको कुछ कहना चाहते हैं? उनसे ये कहना चाहते हैं कि देखें आप धोखे से अगर बचना चाहते हैं या परेशानी से बचना चाहते हैं
तो आप किसी दुकानदार की ओरिजिनल स्लिप के ऊपर काम करें, या अगर आप उनसे ले भी रहे हैं तो उनके घर का एड्रेस और NIC की कॉपी ले लें या उनका मोबाइल नंबर ले लें, ताकि आप उस मुसीबत से बच सकें जो बाद में आपका आने वाली है। छीने गए मोबाइल फोन्स की फरोख्त को रोकने के लिए कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन ने मुतालिका जिम्मेदार इदारों के साथ मिलकर फैसला किया और इस सिलसिले में नई SOPs का इतलाक किया गया, जो शहरियों के साथ साथ दुकानदारों और तमाम मोबाइल फोन्स मार्केटों पर नाफिज है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले कानूनी कार्रवाई के हकदार होंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान साहब के ऑफिस में मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अभी एक नई SOP आई है, वक्तन फवक्तन SOPs आती रहती हैं और आवाम की फलाह बहबूद के लिए आती हैं, उनको रिलीफ देने के लिए आती हैं। आप क्या समझते हैं इससे, क्योंकि नॉर्मली हमने ये देखा है कि मार्केट में सेकेंड हैंड फ़ोन का बायर मौजूद है, तो इससे आपको लगता नहीं है उससे उसमें कमी वाक़ होगी? देखें, ये जो SOP है ये 2016 से काबिल अमल है। उस वक्त हमारे एडिशनल IG कराची थे मुश्ताक मेहर साहब और अपना हमारे CPSC चीफ, और हमने कराची इलेक्ट्रॉनिक्स ने ये साथ मुश्तरका एक SOP बनाई गई कि किस तरह यूज़ मोबाइल ख़रीदेंगे दुकानदार। तो उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि शनाख्ती कार्ड लेंगे आप, CPSC कराएंगे और एक उसका डेटा अपने पास मौजूद रखेंगे आप। उसके बाद वक्तन वक्तन वो चेंज होता गया, उसके बाद फिर अभी जब क्राइम बढ़ा तो उस सिलसिले में जो है उस पर एक ये पाबंदी लगाई गई कि कराची का शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। देखिए, कराची का शनाख्ती कार्ड होना इसलिए ज़रूरी है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई मोबाइल ख़रीद लेता है दुकानदार, उसकी कंप्लेन पहले नहीं होती, वो चोरी का उस वक्त नहीं है, वो उसने ख़रीद लिया, उसके बाद उसकी अगर कंप्लेन आती है तो वो मोबाइल जो जिसने बेचा है वो डिटेक्ट हो सकता है, उसको जो है वो पकड़ भी सकते हैं और उसको रीचेबल भी है। लेकिन अगर कराची से बाहर का अगर कोई आदमी होगा तो वो जो है वो कहीं और जा सकता है, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। तो इस सिलसिले में ये कराची की जो है SOP बनाई गई। आप क्या समझते हैं इससे जराइम को रोकने में मदद मिलेगी? हमने तो ये अपने दुकानदार को सेफ करने के लिए और जो लोग मोबाइल अगर बेचने जाते हैं चोरी का तो रिकवर करते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2016 से अब तक जो है अपने 10 से 12 करोड़ मालियत के मोबाइल रिकवर किए हैं, जो चोरी भी थे, जो छीने भी थे, और जो जो जिस तरह जो कंप्लेन करती किसी का भूल जाता कोई आदमी का, उसके भी वो तकरीबन हमने रिकवर करके कराची पुलिस और CPSC को जमा कराएं और उन लोगों को दिए जिनकी वो चीज़ें थी। सबसे पहले बताऊं मैं आपको, लोग कंप्लेन नहीं करते, कंप्लेन बेसिकली कंप्लेन है क्योंकि हमारा डेटाबेस जो है वो CPSC है, हम उससे कंफर्म करते हैं कि आया ये मोबाइल चोरी का या छीना हुआ। बहुत से मोबाइल अगर आप लोग कोशिश ये करें कि खुदा ना खासा किसी का मोबाइल चोरी या छीनता है तो CPSC में जरूर कंप्लेन। तो हम लोगों को ये इनकरेज कैसे कर सकते हैं जब आप लोगों को उनके मोबाइल जो उनके शायद सोच में वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि हमारा मोबाइल इस तरह से मिल जाएगा, लेकिन जब देते हैं तो उनका रिस्पांस क्या होता है? देखिए, वो बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं कि हमारा मोबाइल जाके दोबारा मिलना उनके लिए बहुत खुशी का लम्हा होता है जब हम वहाँ देते हैं उनको। मकसद ये है कि उन्होंने उसमें कंप्लेन की, इसीलिए मिला। अगर वो कंप्लेन नहीं करेंगे तो वो नहीं मिल सकता। हमें पता ही नहीं कि चोरी का है चिराव किस तरह है, हम तो CPSC से चेक करेंगे ना। सही, तो कंप्लेन का कोई आसान सा तरीका, सादा सा तरीका आप हमको बता दीजिए। बहुत आसान सा तरीका है, आप उनका PDCL नंबर है 02156622, और एक और नंबर है 3568222222। ये आप उसको कॉल करें, उनको बताएं अपना मोबाइल जो है जिसमें आपका छीना है या चोरी हुआ जो भी हुआ है वो आप बताएंगे, उसको अपना IMEI नंबर बताएंगे, मोबाइल का कलर बताएंगे, उसका जो मॉडल है वो बताएंगे, और इसके बाद अपना ID कार्ड नंबर बताएंगे, वो कंप्लेन आपकी रजिस्टर्ड हो जाए। अगर आपका सुबह छीना, आपने कॉल करके फ़ौरन उसको लिखवा दिया, उसमें ये भी हुआ है कि बहुत से लोगों ने कि चोरी हुआ छीना, उसने सुबह कॉल करी और शाम में वो बेचने आ गया, वो भी हमने पकड़ा लोगों को, वो मोबाइल भी पकड़ा और उन लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले भी किया। तो ये इसीलिए ये होता है कि वो हम कंप्लेन हमारी उनकी रजिस्टर्ड होती है, हम वहाँ चेक करते हैं और उसको। अच्छा, लोगों का रुझान इस जानब नहीं है? लोगों का रुझान इस जानब तो है कि अगर अल्लाह ना करे मोबाइल स्नैच हो गया तो वो फौरी तौर पर जो है जिस कंपनी की उनके पास सिम होती है वहाँ कॉल करके सिम ज़रूर ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन ये करने की ज़हमत नहीं करते। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ये सिम तो आप दोबारा ले लेते हैं ना, वो तो छोटी सी चीज़ है, 100 रुपये की या 50 रुपये की, लेकिन मोबाइल तो कीमत ज़्यादा है, उसको तो
आपको आपको उसमें डेटा होता है, मेन चीज़ आपका डेटा होता है। खुदा ना खास्ता वो अगर वो डेटा चला जाता है तो आपको बड़ा नुकसान होता है मोबाइल में, उसमें ऐसा वो जाने भी गई हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं खुदा ना खास्ता कोई रजिस्ट ना करे, कंप्लेन ज़रूर करें। अगर चोरी होता है उस पर क्या कानून है, और अगर जो है वो छीना गया है, डकैती की गई है, उस पर क्या कानून है? देखें, हमारा दुकानदार अगर SOP में दरामद नहीं करेगा, ये शिनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं लेता, CPLC नहीं कराता, जो SOP दी है उस पर अमल दरामद नहीं करता, तो उस पर चोरी का मोबाइल ख़रीदने में 411 लगती है दफ़ा, और डकैती का मोबाइल ख़रीदने में 412 लगती है। तो हम सरासर जो है हम दुकानदारों को हम बता तब भी करते हैं कि ये चीज़ नहीं करें, और अल्लाह का शुक्र दुकानदार हमारे जो है हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। अगर कोई आदि ये काम करने वाला है, अगर वो करता है, तो फिर वो जो कानून उसके खिलाफ जो कार्रवाई करेगा, फिर एसोसिएशन उसकी मदद नहीं। पहले भी SOPs बनती रही हैं, अब भी इस पे अमल दरामद हो रहा है। हम पूरा विजिट करके आए और हमने देखा कि दुकानदार भी इस चीज़ के पाबंद है। तो आखिर फिर ये चोरी किए गए मोबाइल जाते कहाँ हैं, ये सवाल पैदा होता है। कराची से मुल्क से बाहर जा रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, अभी पकड़े गए और पहले कितने गए होंगे, कितनी दूर चले गए होंगे। तो सरकार का काम है, इदारों का काम है, तो उसको रोके। जो रास्ते से जा रहे हैं, बाय रोड जा रहे हैं, जिस तरह भी जा रहे हैं, उसको रोके। ये तो इदारों का काम है, उसको रोका जाए। हमने जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो पुलिस ने और CPLC ने जो हमसे SOP बनाई, हम उसमें अमल दरामद करें। ये चीज़ें मोबाइल का सॉफ्टवेयर वालों के लिए भी है, किसी आप अगर आपका आपका कीपैड आप भूल गए नंबर, या आपका या सॉफ्टवेयर का मसला हो गया, कुछ भी मसला हो गया, तो आपको जो है वो दुकानदार जो मैकेनिक है उसके लिए भी ये SOP अमल दरामद होती है। वो भी शिनाख्ती कार्ड की कॉपी लेगा कराची का और CPLC चेक कराए, अगर वो कंप्लेन में नहीं है तो वो सही करेगा, अगर नहीं अगर कंप्लेन में तो वो जमा कराएगा। यानी कि जो लोग जिनके साथ वाकई मसला है कि किसी बच्चे ने लॉक कर दिया या वैसे मोबाइल लॉक हो गया या पासवर्ड भूल गए, तो वो भी जाकर तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे, अपना NIC देंगे, उसके बाद ही वो अपना मोबाइल खुलवा सकते हैं। बिल्कुल, अदरवाइज इजाज़त नहीं है दुकानदारों को कि उनका मोबाइल नहीं करता तो वो चोरी का भी होता है ऐसा मोबाइल। तो चोरी का अगर आप अगर आपको पता है अगर भूल भी गए खुदा ना खास्ता, और बहुत से लोग जो है चोरी का मोबाइल खोलने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसको चेक करनी पड़ेगी। अगर वो चोरी का है तो आपको जमा कराना है और फौरन जो है एसोसिएशन में या पुलिस में या CPLC में जो है आप कॉल करके आपको उसको जवाब देना है। शहरियों की जिंदगी कैसे गर्दाब में फंस गई है, जहां उन्हें दीगर बुनियादी मसाइल का सामना करना पड़ता है, कभी बेरोजगारी और गुर्बत का, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा चोरी डकैती की होने वाली रोज की वारदातें हैं, जिन्होंने लोगों से जहनी सुकून छीन लिया। आवाम से मोबाइल फोन छीनने और कत्ल के वाकयात ने शहर में खौफ और डर की फिजा और माहौल सोगवार कर दिया। इस नए फैसले से शहरियों को शायद तहफ्फुज़ मिल सके और डकैतों को ये पैगाम जाए कि अब उनका जुर्म आसानी से नहीं छुप सकेगा, और ना अब कोई किसी की जान लेकर छीने जाने वाला मोबाइल फोन आराम से बेच सकेगा और ना ही कोई खरीद सकेगा। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफर में हम आपकी आवाज़ बन सकें, तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मतलब कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफर की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।